तो T20 वर्ल्ड कप 2024 से पाकिस्तान पहले ही बाहर हो चुका है, सुपर 8 से बाहर हो चुका है। लेकिन कल पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से मुकाबला हरा दिया, वो भी 7 गेंदें रहने। आयरलैंड की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन बनाए थे और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में डोमिनेट किया, खासकर शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, इन गेंदबाजों ने डोमिनेट किया, अच्छी गेंदबाजी की, जिसकी वजह से आयरलैंड बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। 106 रन बनाए आयरलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये मुकाबला 19वें ओवर में जाकर जीता, वो भी 7 विकेट गवा के। तो आप समझ सकते हैं कि आयरलैंड के सामने भी पाकिस्तान घुटने टेक देता अगर और कुछ रन होते उनके पास या 1-2 ओवर इधर उधर हो जाते, क्योंकि 7 विकेट गवा चुका था पाकिस्तान। आखिर में आके शाहीन शाह अफरीदी ने 2-3 शॉट अच्छे लगा दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मुकाबला जो है वो 19वें ओवर में जीत गया, वरना वो मुकाबला जो है वो 20वें ओवर में भी जा सकता था, और 20वें ओवर में अगर 1-2 गेंदें रहती तो फिर वहाँ पर पाकिस्तान को मुश्किलें भी हो सकती थी। लेकिन आखिर में शाहीन शाह अफरीदी ने 2-3 शॉट बड़े लगाए, जिसकी वजह से 19वें ओवर में ये मुकाबला जीत गया। इस मुकाबले की बात करें तो बाबर आजम ने 32 रन की पारी खेली और अंत में 17 रन बनाए जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने, और शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट भी चटकाए, शुरुआत में विकेट्स निकाले और डोमिनेट किया पाकिस्तान के गेंदबाजों ने। लेकिन समस्या वही है कि क्या पाकिस्तान की बल्लेबाजी उस लायक है या उस तरीके से खेल रही है कि वर्ल्ड क्रिकेट में जो टीमें हैं, टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनको कंपटीशन दे सके, ऐसा उनकी बल्लेबाजी देखते हुए नहीं लग रहा है। क्योंकि आयरलैंड के सामने ऐसे खेल रहे थे मानो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहा हो और पाकिस्तान खेल रहा हो, क्योंकि 19वें ओवर में जो है आप 106 रन चेस कर रहे हैं, सामने वाली टीम भी हल्की है, आपकी बल्लेबाजी ठीक ठाक है और सामने वाली टीम जो है उतनी ख़तरनाक तो नहीं है जितनी आपने बना दिया उसको 19वें ओवर में मुकाबला जीता। तो कहीं ना कहीं ये साफ झलकता है कि भाई पाकिस्तान डरा हुआ था कल भी और डर के ही खेल रहा था, क्योंकि अगर बॉलिंग अटैक शुरू में अच्छी नहीं हुई होती और विकेट्स जल्दी नहीं निकले होते तो ये जो 106 थे ये 126 130 भी हो सकते थे, और 126 130 हो जाते तो फिर पाकिस्तान को इस मुकाबले को जीतने भी दिक्कत होती, समस्याएं होती, और इसीलिए लगातार पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, वो पाकिस्तान टीम पर सवाल खड़े करते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है अब डिज़र्व नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान को जो क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और कहीं और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, USA से हार गए, टीम इंडिया से हार गए, उसके बाद 2 मुकाबले ज़रूर जीते हैं लेकिन वो कौन सी टीम है? आप देखिए कनाडा और US आयरलैंड है, और आयरलैंड से भी पहले हारे हैं, ऐसा नहीं कि आयरलैंड से पहले हारे नहीं है, वर्ल्ड कप में हारे नहीं है, आयरलैंड से भी पहले हारे हैं पाकिस्तान जैसी टीम जो है वो आयरलैंड से भी हार चुकी है। तो यहाँ भी हार जाती तो कोई चौंकने वाली बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कल पाकिस्तान ने मुकाबला जीता, आयरलैंड को मुकाबला हराया 3 विकेट से और 19वें ओवर तक ये मुकाबला गया। और लेकिन पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, पाकिस्तान के जो फैंस हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इस मुकाबले में भी डरा हुआ था, पाकिस्तान जो है इस मुकाबले में भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर था और बहुत संभल के क्रिकेट खेल रहा था कि कैसे मतलब जीतना है, क्योंकि हार के नहीं जाना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि हार के जाएंगे तो शायद ज़्यादा बेइज्जती हो, लेकिन यहाँ पर जो है इस मुकाबले को जीत के जाते हैं तो शायद उतनी बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान जो फैंस हैं, पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम से खफा हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भाई इस T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप तो ठीक है लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो अच्छा करेगा, अच्छा खेलेगा, सेमीफाइनल फाइनल तक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं T20 वर्ल्ड कप में, वैसा T20 वर्ल्ड कप गया नहीं पाकिस्तान का। और आप देखेंगे तो बल्लेबाजी मुझे लगता है कि पूरी तरीके से फ्लॉप ही रही है, पाकिस्तान की गेंदबाजी अप डाउन रही है अच्छी टीमों के सामने थोड़ी सी, क्योंकि 4 ही मुकाबले खेले हैं जिसमें 2 हारे हैं 2 जीते हैं, तो उतना ज़्यादा अभी दिखा नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन फिलहाल जो है वो बाहर हो चुके हैं और उनका T20 वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है, आखिरी मुकाबला था जो कल आयरलैंड से खेल लिया है, और अब पाकिस्तान को जो है घर जाना है, अपने मुल्क जो है पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्तान के जो समर्थक और फैंस हैं वो बड़ा नाराज़ हैं पाकिस्तान टीम से, क्योंकि पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया और एक छोटी सी टीम बन के रह गया, और जिस अंदाज में पाकिस्तान खेला है वाकई में नाराज़ होना चाहिए वहाँ को, और वो हैं भी। तो क्या वजह रही है, किस कारणवश जो है पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्या बल्लेबाजी में कमी रहेगी, गेंदबाजी में कमी रहेगी, या टीम जो है वो एकजुट नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी को पहले कप्तान बनाया फिर उनको हटा दिया, फिर बाबर आजम को लेकर आए, और बाबर आजम भी दोस्तों परेशानी बने हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तान टीम की, क्योंकि टीम जो पाकिस्तान है वो बाबर आजम के आसपास ही घूम रही है, उससे परे नहीं सोच पा रही है। रिजवान है
अशांत अफरीदी को भी कप्तानी दी तो एक वो सीरीज हार गए, तो ऐसा नहीं था कि आपको दूसरी सीरीज में बाबर को कप्तानी देनी थी। दो तीन सीरीज उनको देखना चाहिए था, T20 वर्ल्ड कप में भी देख लेते, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी टीम एकजुट नहीं है, हो सकता है कि आगे चल के एकजुट हो जाए अशांत अफरीदी की कप्तानी में, तो वहाँ भी आपको देखना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं देखा, सिर्फ एक सीरीज वो हारे। तैसे जो आपने जो कप्तानी है वो बाबर को वापस दे दी, बाबर का नहीं जीत पा रहे हैं, वो एशिया कप चला गया, T20 वर्ल्ड कप 2022 चला गया, वनडे वर्ल्ड कप चला गया, और अब जो है ये आपके T20 वर्ल्ड कप 2024 भी चला गया। तो क्या वजह रही है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।